अस्सलाम वालेकुम जी, हम amana.com के प्लेटफॉर्म से आपके लिए फिर हाजिर हैं। आज हम स्टार मार्केटिंग के एक्सपो पे आए हुए हैं। आज हमारे साथ इखलाक इस्लाम साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टार मार्केटिंग के मौजूद हैं, वो हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे उजाला होम्स के बारे में और डिटेल्स भी गाइड करेंगे आपको। थैंक यू। इखलाक साहब, थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड कीजिएगा उजाला होम्स के हवाले से, क्या प्रोजेक्ट है, किधर बन रहा है, इसकी क्या बैकिंग है, थोड़ा एक ओवरव्यू दीजिएगा। ये देखिए, ये एक थोड़ा सा अजीब व गरीब प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो ऐसे कि ये कोई एक जगह नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। ये पाकिस्तान के बहुत से शहरों में है। राइट। और ये दरअसल एक ऐसा ख्वाब है जो गरीब लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए और हकदार लोगों के लिए, जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए गोया एक मौका फराहम किया गया है। अच्छा, कि वो इस प्रोजेक्ट में, उजाला होम्स में अपने लिए घर हासिल करें। ये कम कीमत घरों के अपार्टमेंट्स और घर हैं, दो कमरों के और तीन कमरों के अपार्टमेंट्स। राइट। और पांच मरले के सिंगल स्टोरी मकान। इनकी कीमतें 15 लाख रुपए से 29 लाख रुपए तक। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। और ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट, सखर, हैदराबाद, हम सब जगह पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। और आज इसकी इनॉग्रेशन है एक तरह से, और ये हमने इसको ओपन किया है पब्लिक के लिए। हम ओपन यू किया है कि इसकी पहले रजिस्ट्रेशन होनी है। राइट। कि आप रजिस्टर करा रहे हैं ख़ुद को कि मैं इसमें कोई यूनिट लेना चाहता हूँ। right. उसमें से कौन सा यूनिट लेना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान भर का डेटा जो है ये जमा होगा, जिससे दो बातें होंगी। एक तो हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में कितनी तलब है। राइट। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों के लिए ये किया जा रहा है, क्या वही लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और उन तक ये प्रोडक्ट पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। right. इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स मुतय्यन किए हैं। अच्छा, ये कोई एक कंपनी नहीं बना रही। अच्छा। ये एक कंसोर्शियम है। अच्छा, अच्छा। इसमें लैंड ओनर्स शामिल हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले शामिल हैं, इसमें इन्वेस्टर्स शामिल हैं, इसमें डेवलपर्स एंड बिल्डर्स शामिल हैं। अच्छा। इसमें मार्केटियर्स शामिल हैं। हर शहर में वो बदल सकते हैं, मतलब लैंड ओनर्स बदलेंगे, कंस्ट्रक्शन right. करने वाले बदलेंगे, लेकिन फॉर्मूला एक रहेगा कि कम कीमत घर फराहम करने हैं। और जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे इसके, जो अपने आप को starjayedad.com पर रजिस्टर कराएंगे, वहाँ एक फॉर्म है, वो सादा सा फॉर्म है, भरना है और आप रजिस्टर हो जाते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, शफाफ और क्लियर रखना चाहते हैं। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये मुनाफा कमाने का प्रोजेक्ट नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 5 मरले का घर 29 लाख रुपए में मिल रहा हो तो वो किस मुश्किल से तैयार होगा जी। उसमें लैंड कॉस्ट शामिल है, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल है, यानी यूटिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे आप जी, बिल्कुल। उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल है जी, जी। और उसके बाद ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट शामिल है, बिल्कुल। उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट शामिल है, और उसके साथ अगर वो 29 लाख रुपये का है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ये सिर्फ एक फलाह के मंसूबे के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल यही है, बल्कि ये इसका बुनियादी ख्याल है। राइट। क्लार्क साहब, आपका विजन मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर की जो विजन है नया पाकिस्तान, उनके साथ बिल्कुल इन लाइन हुआ हुआ है। उन्हें भी नया जो घर जो स्कीम्स लो कॉस्ट लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी बनाने के लिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोग एक ही विजन लेके चल। देखिए, सच्ची बात यह है कि ये ख्याल जो है इसने जन्म लिया है, वो जो हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था। राइट। 50 लाख घरों का, बिल्कुल, इस ख्याल ने वहीं से जन्म लिया माशाल्लाह। कि अच्छा, क्यों ये फिर प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर सकता, अगर हुकूमत ये कर सकती है तो ये प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। शायद हम उतने बड़े पैमाने पे ना कर सकें, हम 50 लाख ना कर सकें, लेकिन हमारे टारगेट्स 2 लाख तक हैं, और उसके लिए हमें बहुत अभी काम करना है। कुछ लोकेशंस फ़ाइनल हो चुकी हैं, कुछ फ़ाइनल हो रही हैं, मज़ीद लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आएँ हमारे साथ, इन्वेस्टर्स भी उसमें शामिल हैं, लैंड ओनर्स भी शामिल हैं, कि वो आएँ और ये इसमें शामिल हों और इसका एक पार्ट बने, और उसके बाद हमें इसकी सारी सरकारी अप्रूवल्स लेनी है। हमारी बात अभी कल ही हमारी मीटिंग भी
नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के साथ हुई है, right. उनके जो सरबराह हैं उन्होंने हमें बड़े मशवरे दिए हैं, और हमने उनको भी ये कहा है कि दिस इज़ सिंक्रोनाइज्ड विद द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, ये वही चीज़ है, और हम चाहते हैं कि हम उनके मशवरों से भी फ़ायदा उठाएँ, कुछ उनकी रहनुमाई भी हासिल करें, और उनसे दरख्वास्त करें कि जो अप्रूवल्स होते हैं ना वो हमें किसी तरह जल्दी कर सकें, ताकि हम फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कर सकें, तेज़ी से बना सकें, लोगों को बेनिफिट दे, लोगों तक पहुँच सकें। क्लार्क साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, और आई विश यू बेस्ट ऑफ सक्सेस। थैंक यू, आप ह्यूमैनिटेरियन जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू अगेन।